हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एमएस पेंट में कमल का फूल बना के दिखाएंगे। अगर आप भी एमएस पेंट में कमल का फूल बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे एमएस पेंट में कमल का फूल कैसे बनाते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम आ गए अपने कंप्यूटर पर। ये देखिए, विंडो पर क्लिक करके एमएस पेंट ओपन कर लेंगे। इस एरिया को, एमएस पेंट के एरिया को इस तरीके से हम स्क्रॉल करते हुए अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेंगे। अब ये देखिए, ये वाली लाइन हमें ये सेलेक्ट करनी है। शिफ्ट के साथ इसको खींचेंगे और यहाँ से इस तरीका से खींच लाएंगे। ये हमारी कर्व मान के चलो, ये मतलब ये ऑटोमेटिक ही टूट जाती है बीच में से। शिफ्ट के साथ दोबारा उसी जगह पर खींचेंगे और इस तरीका से इधर देखिए, हमारी बीच की ये कली बन चुकी है। उसके बाद इस तरीका से खींचेंगे और बीच में इस तरीका से तोड़ देंगे। आपको देखना है कहाँ पर किस तरीका से रखना है, कहाँ पर कर्सर छोड़ना है। ये देखिए कितनी प्यारी कली बन रही है हमारी। ये इस तरीका से दोबारा ये करेंगे और फिर से इस तरीका से छोड़ देंगे और इस तरीका से इसको खींचेंगे अपने अकॉर्डिंग जिस कंडीशन में आपको लाना है। ये देखिए, हम इधर बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से खींचेंगे। बट आप इन दोनों में अंतर देखिए कितना अंतर है, बहुत अंतर है इन दोनों में। हम देखिए दोबारा से प्रयास कर रहे हैं सेम बनाने का, दोनों साइड सेम हो तो अच्छा लगेगा। देखिए फिर भी ठीक नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं बन रहा है। इस वजह से हमारा ये कमल का फूल ये देखिए बिल्कुल ख़राब लग रहा है। हम इसको इस तरीका से नहीं बनाएंगे। अगर आप एक साइड ठीक बना लेते हैं तो ऐसा करेंगे, इसको आधा ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट कर लिया है हमने, देखिए आधा यहाँ से देखिए कॉपी करेंगे और ये पेस्ट कर लेंगे। इसको हम पेस्ट कर दिया, ये देखिए डबल आ गया है इस तरीका से। अब इसको हम करेंगे रोटेट, ये देखिए दूसरी तरफ हमने रोटेट कर लिया है। इस तरीका से उठा के इसको ये अच्छे से इस प्रकार सेट कर देंगे। देखिए हमारा दोनों तरफ मतलब बिल्कुल सेम बन चुका है, सब एंगल सेम है, कली भी सभी सेम है। पूरा कमल का फूल हमारा ये ऊपर ऊपर का बन चुका है। हम नीचे का कमल का फूल बनाएंगे, वही लेंगे सिलेक्ट वही लाइन, शिफ्ट के साथ दबाएंगे। शिफ्ट के साथ दबाने से हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आती है, लेकिन अभी हमें ये थोड़ी टेढ़ी खींचना है। और इस तरीका से अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे किस तरीके से आपको ठीक लगे, और थोड़ा स्पेस देंगे। और ये देखिए, क्योंकि नीचे की साइड हमें ये गोलाईदार बनानी है इस तरीका से। देखिए नीचे कली भी बन चुकी है। अब ये इस तरीका से इसको खींचेंगे, इसको भी थोड़ा कर्व करेंगे और यहाँ से इस पे ही सेलेक्ट करके इस तरीका से कली बना देंगे। इसी तरीका से इधर की साइड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, देखते जाएं किस तरीका से हमने कमल का फूल बनाया है। ये देखिए थोड़ा 19-20 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमल का फूल भी सेम नहीं होता है, 19-20 होता है।
ठीक है, अब थोड़ी सी हम नीचे ये सॉरी थोड़ी सी इस तरीका से कली बना देंगे उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो। ये देखिए बन गया। अब इसमें कलर फिल करेंगे, ये लेंगे फिल करने कलर फिल टूल, इस तरीका से हम रेड कलर से सिलेक्ट करके कलर फिल कर देंगे। सॉरी इसमें हरा भरना है, नीचे कली है और ये नीचे की लकड़ी का डंठरा है ये भी हरा होता है। देखिए हमारा कमल का फूल बन चुका है पूरी तरीका से। अब हम इसमें नाम टाइप करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेंगे। और हिंदी में लिखेंगे, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इसमें से देखें। नहीं मैं सर्च करके टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए सर्च करके नहीं आ रही, मैं इसको ऐसे ही देख लूँगा अरे हिंदी लैंग्वेज कौन सी है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉरी यहाँ पर ये स्पेस कम बचा हुआ है इसलिए हम यहाँ से इसको बैक करेंगे। हम यहाँ पर ऊपर टाइप करेंगे, कमल का फूल। इसका कलर चेंज करना चाहें सिलेक्ट करें, कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए देख कितना सुंदर फूल है, ये हमारा कमल का फूल बिल्कुल रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से बन चुका है। हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे। अब मेन्यू पर जाकर उस पर ऊपर सेव पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम टाइप करके सेव कर सकते हैं। हमारी पहले से सेव है, अगर हम इसको दूसरे नाम से करेंगे तो सेव एज वाले पर क्लिक करेंगे और इसमें नाम टाइप कर देंगे। और आप हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।